जमशेद इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद जमशेद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन सेंटेंसेस के यूजेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बीच के अंतर को जानेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही विल गो एट 4 o'clock, वह 4 बजे जाएगा, यानी वह 4 बजे तक इंतज़ार करेगा और जाने का काम 4 बजे से शुरू होगा। ही विल हैव गॉन एट 4 o'clock, वह 4 बजे चला गया होगा। इस सेंटेंस में जाने का काम 4 बजे तक पूरा हो चुका होगा। जब सेंटेंस क्या से शुरू हो तो सबसे पहले विल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन सेंटेंस की बनावट इस तरह से है। विल सब्जेक्ट, हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, विल यू हैव रीच्ड देयर बाय 4 PM? क्या तुम वहां 4 बजे तक पहुंच चुके होगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन सेंटेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। विल आलिया हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय देन? क्या आलिया ने तब तक अपना काम खत्म कर लिया होगा? विल द ट्रेन हैव लेफ्ट बाय नेक्स्ट 20 मिनट्स? क्या ट्रेन अगले 20 मिनट में जा चुकी होगी? विल द विंटर हैव फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ फेब्रुवरी? क्या फरवरी के अंत तक ठंडी का मौसम खत्म हो चुका होगा? विल यू हैव रिटर्न द मनी बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ? क्या आप इस महीने के अंत से पहले पैसे वापस कर चुके होंगे? विल यू हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स विद दिस कंपनी इन जुलाई? क्या आप जुलाई में इस कंपनी में 5 साल पूरा कर चुके होंगे? विल ही हैव गॉन टू मार्केट बाई डेट टाइम? क्या वह उस समय तक मार्केट जा चुका होगा? विल सी हैव ईटन व्हेन माई ड्राइवर रीचेस देयर? जब मेरा ड्राइवर वहां पहुंचेगा तो क्या वह खा चुकी होगी? विल दे हैव अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन बाय द नेक्स्ट आवर? क्या वे लोग अगले घंटे तक रेलवे स्टेशन पर आ चुके होंगे? विल वी हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर इट रेन्स? क्या बारिश होने से पहले हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे? विल ही हैव गॉन बाय द टाइम आई गेट अप? क्या जब तक मैं सोकर उठूंगा तो वह जा चुके होंगे? क्वेश्चन के नेगेटिव सेंटेंस की बनावट इस तरह से है। विल सब्जेक्ट, नॉट हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, या वॉन्ट सब्जेक्ट, हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, विल दे नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय द इवनिंग? वॉन्ट दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय द इवनिंग? क्या वे लोग शाम तक अपना काम खत्म नहीं किए होंगे? विल योर ब्रदर नॉट हैव अराइव्ड बाई 4? वॉन्ट योर ब्रदर हैव अराइव्ड बाई 4? क्या आपका भाई 4 बजे तक नहीं आया होगा? विल ही नॉट हैव स्लेप्ट बाई 9 PM टुनाइट? क्या वह आज रात 9 बजे तक नहीं सोए होंगे? विल वी नॉट हैव रीच्ड देयर बिफोर इट रेन्स? क्या बारिश होने से पहले हम लोग वहां नहीं पहुंचे होंगे? विल रीना नॉट हैव कुक्ड एनीथिंग फॉर लंच बाय देन? क्या रीना ने तब तक लंच के लिए कुछ भी नहीं पकाया होगा? वोंट ही हैव गॉन व्हेन आई गेट अप? जब मैं सोकर उठूंगा तो क्या वह नहीं गए होंगे?
Will the train not have arrived at the station by that time? क्या ट्रेन उस समय तक स्टेशन पर नहीं आई होगी? Will she not have come by the time we reach there? जब तक हम वहां पहुंचेंगे तो क्या वह नहीं आई होगी? Won't they have finished their cricket match before the sun sets? क्या सूरज डूबने से पहले वे लोग अपना क्रिकेट मैच पूरा नहीं किए होंगे? क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। जब हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों, कैसे आदि आए तो इन वर्ड्स की इंग्लिश विल से भी पहले आती है। सेंटेंस की बनावट इस तरह से है, क्वेश्चन वर्ड्स विल सब्जेक्ट हैव वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, व्हाट टाइम इन द इवनिंग विल यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क। शाम में तुम किस वक्त यह काम पूरा कर चुके होगे? Where will the train have arrived by that time? ट्रेन उस वक्त कहाँ तक आ चुकी होगी? How long will you have left your job next year? अगले साल आप कब तक अपनी जॉब छोड़ चुके होंगे? How much money will you have spent by tomorrow? कल तक आप कितना पैसा खर्च कर चुके होंगे? How much work will they have done until the evening? शाम तक वे लोग कितना काम कर चुके होंगे? How many promises will the government have fulfilled until the next year? अगले साल तक सरकार अपने कितने वादे पूरे कर चुकी होगी?